हेलो दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल सी। टेक्निकल सी से मैं जब डनी आपका दोस्त। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 8 टेक्नोलॉजीज़ की, जो कि 2020 की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। आगे वाले फ्यूचर में वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा करने वाली हैं। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, बात करेंगे इनके बारे में आज इस वीडियो में। तो दोस्तों अपनी पहली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा क्या होने वाला है, और शायद कुछ लोग तो इसके बारे में जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते उनके लिए भी एक बार चलो बता देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे बोल सकते हैं कि ये सेल्फ डिसीजन लेने में सक्षम होती है, मतलब कैपेबल होती है सेल्फ डिसीजन। इतनी भी नहीं होती लेकिन काफ़ी हद तक होती है, या ऐसे बोल सकते हैं एक ह्यूमन के जैसे ही है। ये पैटर्न पहचान सकती है और भी मतलब चीज़ों को समझ सकती है। आपने बहुत सारी AI की चीज़ें देखी होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ऐसे यहाँ तक कि जो गूगल जो एलेक्स है वो भी एक प्रकार की AI ही है। जो कि AI मोस्ट ऑफ द AI का काम होता है कि ह्यूमन या जो पीपल है उनका काम आसान करना, जो उनको डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती है उनका काम इजी करना, या असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट है उनका काम वो उनको हेल्प करता है। जैसे फ़ोन में कुछ देखना हो तो आपको बस अपनी वॉइस बोलो, वो आपका पूरा काम खुद करके दे देगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि AI कितना एंड कितना कैपेबल है, कितना अच्छा है, कितना आने वाले समय में कितना पावरफुल साबित हो सकता है। यार इसकी वजह से काफ़ी नौकरियां भी जा रही हैं, बट 2020 तक इसकी है ना, लगभग 2020 पूरी होने तक इसके 23 मिलियन जॉब मिल जाएंगी। लेकिन इससे अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 2030 तक 73 मिलियंस इसकी वजह से जॉब जा भी चुकी होंगी। तो हर एक टेक्नोलॉजी का अपना फ़ायदा अपना नुकसान है, और अगर इससे भी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मैं इसके बाद एक एडिशनल, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ उनके एडिशनल एक वीडियो और बना दूंगा मैं, जिसके अंदर पूरा कवर करूंगा क्या है, किस प्रकार से वर्किंग है एंड क्या क्या है, आने वाले समय में क्या इसका फ्यूचर है क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, एक एक को इतना टाइम दिया। तो बेसिक सबके बारे में बेसिक बताता चलूँगा, फिर आने वाली वीडियो में एक या दो दिन में इनके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। तो चलो अभी चलते हैं आगे वाली टेक्नोलॉजी की ओर। सेकेंड है दोस्तों अपनी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का भी आपने पहले से सुना होगा। तो मशीन लर्निंग सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका एक सिस्टम है वो सिस्टम पर्टिकुलर किसी एक वर्क के लिए उसको डिज़ाइन किया हुआ है, उसके अंदर जो कोड है वो किसी एक काम के लिए एक बनाया गया है। लेकिन जब आपको उसी सिस्टम को अगर दूसरे काम में या किसी और पर्टिकुलर काम में अगर उसको यूज़ करना है, कोड उसके अंदर दूसरा, तो यहाँ पे आप मशीन लर्निंग की मदद से उसको इस काम से उसका कोड चेंज करके उसको दूसरा भी काम करा सकते हैं, या फिर उसी कोड के अंदर कुछ चेंज करके उससे दूसरा काम करा सकते हैं। मतलब सिंपली इसका काम है कि या जो पर्टिकुलर सिस्टम उसके अंदर जो सिस्टम पर्टिकुलर बनाया है उसके अंदर से थोड़ा चेंज करके आप पर्टिकुलर जैसे ले सकते हैं। आपको सिंपली एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे आपको आपके पास एक डाटा है, बहुत डाटा की बहुत बड़ी लिस्ट है, अब उसके अंदर आपको उस डाटा को एनालाइज करना है, तो आप वहाँ पर आप मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वैसे वैसे मैनुअल देखेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसे मान लो 10 मिलियन 15 मिलियन की कोई यूज़र की आपके पास लिस्ट है, उससे आपको ऐसे मान लो कि उनके कॉन्टैक्ट चाहिए, एड्रेस चाहिए, नेम चाहिए, और उसके अंदर बहुत कुछ है, जैसे जॉब जॉब क्या करता है और भी आधार कार्ड एड्रेस बहुत कुछ है, को वो नहीं चाहिए, इतना चाहिए। तो आप सिंपली आप मशीन लर्निंग की मदद से इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। मशीन लर्निंग की मदद से आपको डाटा को एक जगह व्यवस्थित कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एंड इस और भी बहुत कुछ फायदे हैं इसके। ये है ना, ऐसे बोल सकते हैं आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। लोगों का मानना है कि 2022 तक इसके 8.81 बिलियंस तक हो जाएंगे इसको यूज करने वाले, 8.81 बिलियन, आप समझ सकते हैं। तो ये मशीन लर्निंग की, इसका अगर आप मशीन लर्निंग करते हैं तो आपका आप अच्छा खासा वेतन या अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको सालाना स्टार्टिंग है $1,00,000, ईयरली है, ईयरली मंथली नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद चलते हैं अपन थर्ड की ओर, वो भी बहुत बेहतरीन बोल सकते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेट।
या आपने आप अभी आपको बहुत पता चल गया होगा, आप कभी किसी साइट पे विजिट करते हैं तो साइड में एक ऑप्शन आता है चैटर्स, तो जैसे आप वहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, चैट करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको वहाँ सामने से एक एट द टाइम आपके पास एक रिटर्न में मैसेज आ जाता है, तो वो बोल सकते हैं वो RPA है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेट। उसके अंदर पहले से फिट किया हुआ होता है, जब आप यूज़र ये बोले तो ये करना है, ये बोले तो ये करना है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जैसे आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, तो आप जैसे उन पे उनसे हेल्प लेते हैं तो वो पहले आपसे तीन चार वो बोलते हैं कि आपका नाम क्या है, थैंक्स वैंक्स ये करके, फिर क्या समस्या है। अगर समस्या लग मोस्ट ऑफ द यूज़र्स को वही समस्या आती है तो आपको उससे बात करने की ज़रूरत नहीं, वो जो उनका जो रोबोट है चैट रोबोट, वो आपको इजीली आपको चैट के थ्रू ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इससे क्या है कि उनका टाइम बच जाएगा, जो मैं जो लोग हैं वो भी कम कम जरूरत पड़ेगी। तो ये ऐसे बोल सकते हैं बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, ये बहुत बहुत जगह यूज़ हो रहा है। जैसे आप अगर टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि टेलीग्राम के अंदर एक बोट सिस्टम होता है, अगर आप चैनल बना रहे हैं या अपना कोई ग्रुप बना रहे हैं तो उसके अंदर आप उसको बोट मैनेज कर सकते हैं, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप अपने अपना जो बोट है, ऐसे बोल सकते हैं बोट एक डेमो डमी मान लो, सॉरी डमी आदमी है, उसको आप उसको कमांड दे दो कि ये ऐसे करे तो इसको ऐसे करना है, वैसे करे तो वैसा करना है, तो उस तरह से बहुत आपका जो काम है वो आधा हो जाएगा। आपको इतना कुछ नहीं करना, आपका जितना भी काम है कुछ, आपको अगर कुछ फेक लिंक्स या कुछ आ रहे हैं तो आपका जो रोबोट है चैट रोबोट या जिस जो भी आप उसने नाम दे रखा है तो वो आपको इजीली संभाल लेगा, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन है, और ये लगभग इससे है ना आने वाले समय में 60% जॉब काफ़ी खतरे में है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जितने भी एनालाइजिंग वो है, वो जितने भी मैंने देखे हैं अभी तक उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ना कि ऐसे नहीं हवा में छोड़ रहा हूँ। 9% जॉब इसकी इससे मिल जाएंगी एंड 60% जॉब इसकी वजह से चली जाएंगी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉब खत्म हो जाएंगी, ये नहीं है, कुछ और आएगा, कुछ इससे भी बेहतर आएगा। तो ये अपनी थर्ड, अब चलते हैं फोर्थ की ओर, वो भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो दोस्तों फोर्थ है अपनी एज कंप्यूटिंग। ये ऐसे बोल सकते हैं जितना ज़्यादा अपन डेली लाइफ में कितना डाटा यूज़ हो रहा है पर डे का, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना डाटा स्टोर हो रहा है। जैसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इस इनको आप देख सकते हैं, जैसे होस्ट सर्वर होस्टिंग, ये इनके बारे में आप पता है थोड़ा बहुत, तो कितना डाटा डेली किसी एक सर्वर पे होस्ट हो रहा है, मतलब कितना डाटा एक सर्वर पे जा रहा है पर डे, तो उस हिसाब से कितना अगर कि कोई यहाँ से करता है या और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है इस डाटा को स्टोर करने में, या तो इसमें एक जो एड्स कंप्यूटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इसे मैनेज करने में। ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हैं मिनी क्लाउड है, मिनी क्लाउड कंप्यूटिंग बोल सकते हैं इसको। तो इससे क्या कि एक छोटे एरिया को कवर करके रखता है, इस हिसाब से वर्किंग करता है। अगर आप आपको इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के नीचे मेरी ऑफिशियल साइट दे दूंगा, साइट पे जाके आप इसको बारे में पढ़ सकते हैं। तो वैसे भी जितने भी मैं एट कैटेगरीज एट टेक्नोलॉजी बताने वाला हूँ, इनके बारे में एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो आने वाली है, जो बहुत कुछ उसके अंदर पूरी रिसर्च करके लगभग 15 से 20 मिनट की पूरा डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर लो अगर अच्छी लग रही है तो। तो चलो चलो अब चलते हैं अपनी आगे वाली टेक्नोलॉजी की ओर। दोस्तों फिफ्थ है अपनी VR एंड AR। VR मतलब वर्चुअल रियलिटी, ऐसे बोल सकते हैं जो आपको दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा, ऐसे बोल सकते हैं इसको सिंपली। जैसे अगर किसी को VR को एक सिंपली आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे आपने कभी किसी मूवी में देखा होगा कि जो कोई प्लेन मान लो या हेलीकॉप्टर या कुछ भी है, उसका अगर पहले जब जो उसका पायलट या जो उसको उड़ाने वाला जो भी हो, उसको पहले एक डमी या किसी और पे उसको प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे उसको लगता ही है कि वो रियल में बैठा है लेकिन वो रियल में होता नहीं है, तो ये ही है VR, मतलब उसको ऐसा लगता है बट रियल नहीं है। जैसे आपको जैसे VR बॉक्स आपने यूज़ किया होगा, वो तो इतना कुछ एडवांस नहीं है जो, लेकिन VR बॉक्स भी एक ऐसे बोल सकते हैं काफ़ी सिमिलर है ऐसे वर्चुअल रियलिटी के। इसके अंदर आपको जो भी उसके अंदर दो लेंस होते हैं वो इजीली आपके फ़ोन को जैसे आपका फ़ोन रोटेट करता है उस हिसाब से एडजस्ट करके आपको दिखाता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन जो एडवांस मशीन होती है जैसे
ये कि ये जो अमेरिका की नौसेना या ये हैं, ये जब आप अपने जो सील के जो आदमी हैं उनको, या जो जहाज को चलाता है या जो पायलट्स होते हैं उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो पहले उनको वीआर में, वीआर के अंदर या वीआर एआर के अंदर जाके उसको डेमो दिया जाता है कि इस तरह से वर्किंग होगा, ऐसे ऐसे, मतलब उनको ऐसे लगेगा कि बस पूरा रियल चल रहा है, बट वो रियल नहीं है। तो ये है वीआर एंड एआर का कंप्लीट वीडियो आने वाली है, तो उसमें पूरी बात करेंगे किस, क्या है, किस टाइप से वर्क करता है, क्या है इसके अंदर, आने फ्यूचर में क्या है। जैसे अगर फ्यूचर की बात करें तो इसके अंदर फ्यूचर में आपको, अगर इसमें आप जॉब पाना चाहते हैं तो ऐसे मान लो कि इसमें आपको जॉब तो श्योर मिल ही मिल जाएगा, लेकिन आपको एक अच्छा प्रोग्रामिंग एंड आपको जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचने वाला है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट होनी चाहिए इसके लिए। तो ये है वीआर एंड एआर। अब चलते हैं अपनी आगे वाली टेक्नोलॉजी की ओर। तो आगे वाली है साइबर सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के मामले में तो आपको पता है, सिक्योरिटी जैसे आपको पता है हर दिन कितना इंटरनेट, कितना डाटा स्टोर हो रहा है, और जब डाटा स्टोर हो रहा है तो ऐसा भी है कि कोई उस सिस्टम को एक्सेस पा ले उस सिस्टम पे, जो अंदर का पूरा डाटा है वो अपने हिसाब से उसको यूज़ कर पाए, जो आपका डाटा है वो सेफ ना रह पाए। तो उस इसको मैनेज करने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी हर साल बहुत ज़्यादा जॉब्स इसमें ऑफर हो रहे हैं। अभी देख लो 2020 में पहले से 3 गुना ज़्यादा जॉब इसके अंदर बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरनेट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा, उतनी ही ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, उतनी ज़्यादा सिक्योर रखने के लिए उसको आदमी चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी है, आने वाले फ्यूचर में काफ़ी इसका स्कोप है, आप इसको देख सकते हैं एक बार। अब इसकी बात करें साइबर सिक्योरिटी, आपका जहाँ पे एक डाटा स्टोर है, अब कितना भी आप जैसे गूगल, ये गूगल ट्वीट, अभी आप थोड़ा दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी यूट्यूब एंड ट्विटर दोनों हैक हुए थे। अब आप देख लो कितने सिक्योर प्लेटफॉर्म है दोनों, फिर भी ये इसके अंदर भी कुछ ना कुछ खामियां रह गई जिसकी वजह से इन पे भी एक्सेस पा लिया गया। तो आप देख लो साइबर सिक्योरिटी कितना एक बड़ा इश्यू है इस टाइम में, जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ेंगे। तो देख लो अब चलते हैं अपनी आगे वाली टेक्नोलॉजी की ओर। तो 7 नंबर टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। इसके बारे में तो आपने शायद सुना होगा, ये ब्लॉकचेन ऐसे बोल सकते हैं बिटकॉइन की दान है। बिटकॉइन सिंपली ब्लॉकचेन किस टाइप से वर्क करता है ये आपको बता दूं। जैसे आप इसको नाम से देख लो, ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक होंगे वो एक चेन से जुड़े हुए होंगे, चेन का मतलब एक लिंक होगा उन ब्लॉक्स के अंदर। जैसे मान लो पहला एक ब्लॉक है, उसके अंदर ऐसे मान लो 3 ब्लॉक है, पहला दूसरा तीसरा, 3 ब्लॉक है। 3 ब्लॉक के अंदर आपको पहले ब्लॉक के अंदर 3 मिलेंगे, 3 सेगमेंट मिल जाएंगे, एक ऊपर एक बीच में एक नीचे, ये 3 मिल जाएंगे। तीनों के अंदर तीन तीन वैल्यूज होंगी, मतलब तीन तीन डाटा के पैकेट्स होंगे, ऐसे समझ लो पैकेट्स। और जो 3 बॉक्स है पहले में 3 सेगमेंट होंगे, और उसके अंदर प्रत्येक लाइन में 3 3 सेगमेंट होंगे। उसके बाद एक और होगा, उसके अंदर ये का ये, उसमें होगा ये का ये, तीनों में ये हुए। अब इसमें होगा क्या, जो फर्स्ट बॉक्स का ऊपरी ऊपर वाला है वो जो सेकंड बॉक्स का है उसका लास्ट वाला होगा या फर्स्ट वाला होगा, मतलब जो फर्स्ट वाला है उसका लिंक सेकंड वाले से होगा, जो सेकंड वाला उसका लिंक थर्ड वाले से होगा, और जो ये फर्स्ट वाला इसका लिंक इससे पहले वाले से होगा। तो इसमें क्या है कि एक जो चेन बन जाती है वो काफ़ी सिक्योर एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कोई सिस्टम के साथ छेड़छाड़ी करना चाहेगा या एक वैल्यू को चेंज करना चाहेगा तो आगे वाली वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, या उससे आगे वाली ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो इसमें अगर किसी को इसमें एक्सेस पाना है तो उसको जितने भी जो पीस जितने भी हैं जहाँ पे स्टोर हैं उन सबको, जितने भी पीसीज या जितने भी सिस्टम, उनको सबको एक साथ एक्सेस पाना होगा, एक साथ उन वैल्यू को चेंज करनी होगी। तो ऐसे बोल सकते हैं काफ़ी मुश्किल टास्क है, इसकी वजह से बोल सकते हैं इसको हैक करना भी काफी मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन, और आने वाले में ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा स्कोप होने वाला है ब्लॉकचेन में, क्योंकि डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड हो रहा है उसके साथ सिक्योरिटी भी काफी बढ़ने वाली है, तो ब्लॉकचेन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं अपनी आगे वाली टेक्नोलॉजी की। तो अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट टेक्नोलॉजी है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाम से पता चल गया इंटरनेट सोचने वाला। तो देखो इंटरनेट सोचने वाले से आईओटी से, देखो ऐसे आपको एक सिंपली एग्जांपल से समझा दूं, एक वाईफाई, उससे आप घर का जितना भी जैसे विंडोज शट डाउन और भी जो ऐसे स्विच को ऑन ऑफ करना वो सारे कनेक्ट कर दो,
फिर उसके अंदर आपको एक माइक ऐसे बोल सकते हैं एड्रिनो लगा या कुछ भी और लगा के जिसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर दो और उसके अंदर प्रोग्रामिंग डाल दो ऐसी जैसे जो आपकी वॉइस से कंट्रोल हो। फिर आप जैसे उसको कुछ कमांड दोगे वो आपकी कमांड को एग्जीक्यूट करके वो आप प्रोसेस कर देगा। तो ऐसे बोल सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसी तरह से टाइप करता है। आपका एक एक स्टोरेज सिस्टम होगा उस वो नेट से कनेक्टेड होगा, वो मतलब सारे उससे कनेक्टेड हो जाएंगे, आपका ऐसे एक सिस्टम बन जाएगा। फिर वो आप उसको इजीली कंट्रोल पर कर पाएंगे। जैसे एक ऐसे देख सकते हैं जो एक सीसीटीवी कैमरा है, ये सीसीटीवी कैमरा वाला बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जैसे आपने कभी देखा होगा जब आप किसी मार्केट में जाते हो तो आप पब्लिक प्लेस में कैमरा देखते हो, सीसीटीवी कैमरा, तो बहुत चांस में कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि उस कैमरे के अंदर वायर्ड नहीं होते, या होते हैं तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर आईपी होती है जो नेट से कनेक्टेड रहती है। मतलब उस कैमरे को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई तो क्या मतलब जो उसके पास उसकी आईपी है वो उसको इजीली एक्सेस कर पाएगा। तो यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो मतलब कि वो कैमरा इंटरनेट से जुड़ चुका है। मतलब अगर किसी को देखना हो या कुछ भी करना हो तो वो डायरेक्ट उस कैमरे की आईपी लो और उसका कैमरे से जो सीन चल रहा है वो देख सकता है। तो आप देख लो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कितनी काम की चीज़ है और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है ये। ऐसे मान लो कि जो AI है उसी का ही एक ऐसे बोल सकते हैं उसी का ही भाई है AI का ही। तो ये आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और कुछ पूछना हो या और भी कुछ चाहिए नीचे कमेंट कर दो। और इन जितनी भी मैंने आज टेक्नोलॉजी बताई इन सब इनका पूरी डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, एक दो दिन में शायद मैं डाल दूंगा, पूरी डिटेल्ड वीडियो आने वाली है इन पे। तो वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छी लग रही है लाइक कर लो। तो चलो वीडियो में।